मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर दोनों दलों का मंथन जारी है। भाजपा ने लंच के बहाने 10 तारीख को आने वाले उपचुनाव के परिणामों को लेकर होटल जहानवा रिट्रीट में मंथन किया। पार्टी में भाजपा प्रबंधन समिति के चुनाव प्रभारियों से हर सीट का फीडबैक लिया गया, जहां एक एक सीट की जीत और हार का गणित बिठाया गया। इसमें शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत तमाम मंत्री और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज से जब लंच को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इसे परिवार के सदस्यों के साथ गपशप वाली पार्टी बताया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लंच पार्टी को मेल मुलाकात वाली पार्टी बताया। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी उपचुनाव में बंपर तरीके से जीत रही है। फीडबैक तो हम लोग लगातार आपको ध्यान में कि कंट्रोल रूम के अंदर बैठ करके जिस दिन चुनाव था और जिस प्रकार से मतदान मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बम्पर वोटिंग ही इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इन 28 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग कानून व्यवस्था के साथ खेलना चाहते हैं, कानून को धता बता करके आतंकवाद के साथ समर्थन में खड़े होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने पहले कहा था कि ऐसे लोग नहीं बचेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, और ऐसे लोगों के खिलाफ अभी और कड़ी कार्रवाई होंगी जो आतंकवाद के समर्थन में खड़े होंगे, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की इंतजार की तैयारी में रहे। कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रबंधन की टीम ने चुनाव में जबरदस्त परिश्रम किया था और अपने सब कार्यकर्ताओं को हम समान मानते हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का जितना महत्व है उतना सामान्य कार्यकर्ता का भी महत्व है। तो आज उनके साथ बैठना था, गपशप लगानी थी, भोजन करना था, इसलिए एक परिवार के भाव से हम लोग इकट्ठे हुए, चर्चा की। नहीं, प्लानिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं, सरकार है, सरकार रहेगी और अब अच्छी चल रही है, देख ही रहे हो आप लोग। अब उनको जो करना है करते रहें, हमें तो सरकार चलाना है, जनता की सेवा करना है, प्रदेश को बेहतर बनाना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं।